हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आलू का पराठा बनाएंगे। फ्रेंड्स, आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना पड़ेगा। ये घर का नॉर्मल गेहूं का आटा है, इसको मैंने ले लिया है। अभी देखिए, बीच में इस तरीके से होल कर लिया है। इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ मैं, 2 से 3 चम्मच, और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। नमक स्वाद अनुसार ही ऐड करें, और नमक को डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हाथ से मिला लीजिए आप। हाँ, इस तरीके से पूरे आटे में मिलाइए कि हमारा नमक और तेल जो है मिल जाए। देखिए, इसी तरीके से मसल मसल के हम अच्छी तरीके से पेपर आलू का पराठा बनाएंगे। यार, नॉर्मल आलू के पराठे तो हम हमेशा खाते ही रहते हैं। इस आटे को अब हम लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ये जालंधर की फेमस डिश है। जो जालंधर गए होंगे उनको पता होगा कि पेपर आलू पराठा कितना टेस्टी होता है। तो आज हम पेपर आलू पराठा ही बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से गूंथ के। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, इस तरीके का आटा मैंने लगा के सॉफ्ट, ये काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो बना के रखना है। आप जितना अच्छा आटा गूंथेंगे आपका पराठा उतना ही अच्छा बनेगा, इस बात का पूरा ध्यान रखें। देखिए, इस तरीके से चेक करके देख लीजिए कितना सॉफ्ट है ये आटा। अब हम इस तरीके का कोई भी बर्तन लेंगे, उसमें डाल के इस तरीके से दबा दें ताकि इसके अंदर हवा ना जाए और हमारा आटा सूखे ना। किसी भी प्लेट से हम इसे ढक देंगे। अब इसे करीब करीब 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे ये आटे। जब तक हमारा आटा इधर रेस्ट कर रहा है तब तक हम आलू बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 5 से 6 आलू ले लिया है। एक कटोरी प्याज है, ये एक बड़ा प्याज था उसको मैंने कट कर लिया था। हरी मिर्ची है, ये थोड़ा सा कसूरी मेथी है, धनिया की पत्ती है, कट करके ले लिया है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मैंने साबुत हरी मिर्ची ली है। ये हरी मिर्ची जो घर में आती हैं और सूख जाती हैं वो वाली ली है, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी होती है। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैंने जीरा भी लिया है। इस जीरे को, धनिया को और मिर्ची को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है कढ़ाई में डाल के। ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगा हमारे मसाले को। देखिए, मिक्सी का जार ले लेते हैं। इस मिक्सी के जार में हम इसको डाल के पीस लेंगे। पीस लेते हैं इसको। चलिए, अब एक बड़ा बर्तन ले लें। ये पोटैटो मैशर से इसको, सारी पोटैटो को हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, हमें कुछ और करने की प्रेरणा देता है। तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। देखिए, हमने सारे आलूओं को मैश कर लिया। कटी हुई प्याज डाल दिया है। प्याज को बारीक बारीक ही काटें। इसमें मैंने धनिया की पत्ती भी ऐड कर दी, कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया, हरी मिर्ची। इस मसाले को काफ़ी चटपटा बनाना पड़ता है, इसलिए आप इसमें मिर्ची खूब अच्छी तरीके से ऐड करें। साथ में थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दें। देखिए, ये वो मसाला है जो मैंने आपको दिखाया था, खड़ी धनिया और वो सब, उसको मैंने पीस के इस बाउल में ले लिया है। इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब भी आप पेपर आलू पराठा बनाएं, इस तरीके का मसाला जरूर तैयार करें। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको मिला लेंगे। नमक हम इसमें स्वाद अनुसार ही डालेंगे, पर ध्यान रहे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि हमें मसाले को काफ़ी चटपटा बनाना है। एक पिंच हल्दी हम डाल दे रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, नहीं तो ना डालिए। लाल मिर्ची,
जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, इसका मसाला काफ़ी चटपटा बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं ऊपर से भी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमक हमें थोड़ा कम लग रहा था, हमने चेक करके देखा, इसलिए हम इसमें नमक और ऐड कर दे रहे हैं। देखिए, मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो एक बार पेपर आलू का पराठा तो बनाना बनता है। देखिए, आटा हमारा रेस्ट कर चुका है। अब हम इसको ले लेते हैं इस तरीके के, एक गोली तोड़ लेंगे। देखिए, हाँ, इस तरीके से गोलियां बना लीजिए। एक पराठा बनाने के लिए हमें इस तरीके की दो पेड़े लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आटे में इसको मैंने डस्ट कर लिया है और अब इसको बेल लेंगे। आलू का ये पराठा जो है ये काफ़ी पतला बनता है, इसलिए मैंने इस पर रख के इसको बेला है। उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था मैंने पहले से, क्योंकि हमारे पास जो चकला होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, तो इस वजह से हमें इस पर रख के बेलना पड़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत मोटा भी ना हो और पतला भी ना हो, इस तरीके के रोटी बेल कर हम रख लेंगे। दूसरी भी बेल लेते हैं। देखिए, उसी तरीके से दूसरी भी बेल लीजिए। फ्रेंड्स, ये वाकई में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है ये पराठा। बिल्कुल डोसे की तरीके से ये कुरकुरा बनता है, तो एक बार बना के ज़रूर खाइएगा और अपना अनुभव हमें बताइएगा कमेंट करके कि यह पराठा आपको कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, इस मसाले को ले लेंगे और हम इसमें, देखिए बीच में हमने रख दिया है, इसको हाथों से फैला देंगे, क्योंकि पूरी जितने भी ये रोटी है ना, हल्का हल्का किनारा छोड़ के पूरे में हमें फैलाना है। देखिए, ये मसाला हमें थोड़ा कम लग रहा है अभी इस पर, और ले लेते हैं 1 से 1.5 चम्मच करीब और ले लेंगे, क्योंकि पराठे में आलू अच्छी से हो तभी अच्छा लगता है खाने में। देखिए, इस तरीके से हमने इसको फैला दिया है। खूब अच्छी तरीके से फैला दें हर तरफ। उसके बाद दूसरा जो हमने बेला है उसको इसके ऊपर रख कर, हाँ, इस तरीके से रख के चिपका देंगे साइड से, इस तरीके से दबाते हुए पूरा चिपका देंगे हम। बीच में भी दबा दीजिए ताकि इसके अंदर जो हवा हो वो निकल जाए, नहीं तो आपका पराठा जो है ना वो फट जाएगा बेलने के टाइम में। थोड़ा सा सूखा आटा आप लगा लीजिए इस तरीके से। अब हम इसको बेल लेंगे। काफी पतला सा इस पराठे को बेलना है। आप देख पा रहे होंगे मैं कितना बड़ा सा बनाई हूँ। आप अपने तवे के हिसाब से ही बनाएं, जितना बड़ा आपके पास तवा हो, नहीं तो फ्रेंड्स सेकेंगे कहाँ, है ना। देखिए, हमारे पास तवा जो है वो नॉर्मली सबके पास लमसम इतना बड़ा तवा होता है जितना बड़ा मेरे पास है, इस पे मैंने डाल दिया है। ध्यान रखें, जो परमानेंट खाना बनाते हैं वो तो इस तरीके से टच कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये ना सोचे कि आंटी ने तो ऐसे ही छुआ था और वो भी छू लें, जल जाए तो फिर भाई मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जल गए हैं, तो ऐसा ना करें, ध्यान रखें। हम औरतों के पास तो हैबिट होती है, हम कर लेते हैं, है ना, पर बच्चे नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हमने इसके ऊपर देसी घी लगाया है, क्योंकि पेपर आलू का पराठा देसी घी में बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल यम्मी लगता है। और फ्रेंड्स, आप इस पराठे को कभी भी किसी के भी सामने रखेंगे ना, वो तारीफ ही करेगा, क्योंकि नॉर्मली आलू का पराठा तो सभी के घरों में बनता है, वो ओल्ड हो चुका है, तो कुछ नया ट्राई करते हैं अब। देखिए, इस तरीके से अच्छी तरीके से देसी घी लगा दीजिए। हाँ, इस तरीके से पलट पलट के हमें इसे कुरकुरा सेकना है,
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि ये डोसे की तरीके से होता है। देखिए इसको मैं टच करके देख रही हूँ, ये काफ़ी क्रंची हो चुका है। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से सीख गया है ना हमारा ये पराठा। देखिए हमने दो पेड़े लिए थे, एक के ऊपर एक रखा था। देखिए ये इसी तरीके से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए देखिए, वाव क्या पराठा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो एक बार बना के जरूर खाइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकंड पराठा भी सेक लेते हैं। मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान रखें, हम औरतें कर सकते हैं इस तरीके से, बाकी बच्चे नहीं कर सकते हैं। गैस जल रही है, घी लगा देंगे। प्लीज माइंड मत करिएगा, रिकॉर्डिंग मेरे बेटे ने की है, तो रिकॉर्डिंग करते करते मस्ती भी बहुत करता है। देखिए इस तरीके से घी लगा के पराठे को हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे। साइड से ये अपने आप जैसे सिकता जाता है वैसे ही साइड से छोड़ता जाता है, हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए इसको भी मैं चेक करके बताती हूँ आपको, ये भी अच्छी तरीके से सीख गया है हमारा पराठा। देखिए इस तरीके से दबा दबा के अच्छी तरीके से सेक लीजिए। देखिए इसको भी मैं निकाल के दिखाती हूँ, वाओ कितना टेस्टी लग रहा है ना। आ रहा है आप लोग के मुंह में पानी, लिख के जरूर बताइएगा। देखिए हमने इस पराठे को सर्व कर लिया है, मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है। आप इस पराठे को साउथ इंडियन टमाटर प्याज की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। उस चटनी के साथ भी ये पराठा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स